दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार, आनंद विहार में सबसे अधिक AQI 426 रिकॉर्ड। न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदूषण में इजाफा, हवा की गति कम होने से भी दिल्ली में स्मॉग का कहर। दिल्ली में भी आज फिर से प्रदूषण बहुत खराब लेवल पर, प्रदूषण के कारण एम्स इलाके में छाए धुंध। दिल्ली में स्मॉग के कारण धुंधला दिखा अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली का AQI आज बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली के काले निकुंज में यमुना नदी पर आज भी दिखे जहरीले झाग, इसी जहरीले झाग के बीच आज दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग का बढ़ता प्रदूषण, ड्रोन तस्वीर से दिखाए झाग ही झाग। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसे केंद्र कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, कहा कि काम करने की बजाय दूसरों पर सिर्फ दोष मढ़ती रहती है सरकार। मुंबई पर भी प्रदूषण की मार, मरीन ड्राइव इलाके में छाए धुंध। मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए BMC की कोशिश, कुछ इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। नमे के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर PM मोदी ने फोन पर ट्रंप को दी बधाई, ट्रंप ने PM मोदी और भारत को बताया सच्चा दोस्त। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने बातचीत में PM मोदी की तारीफ की, कहा कि पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। ऑस्ट्रेलिया PM एंथनी एल्बनीज ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बधाई दी, कहा कि दोनों देशों के हित में मिलकर काम करने को उत्सुक। महाराष्ट्र चुनाव के लिए MVA का घोषणा पत्र जारी, 5 गारंटी का किया ऐलान। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना का ऐलान, जातीय जनगणना और किसानों का 3 लाख तक लोन माफ करने का भी वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का PM मोदी पर विवादित बयान, मुंबई की जनसभा के दौरान तैमूर लंग से की तुलना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा गया, सरकार को बहुमत नहीं मिला तो टांग पर सरकार चल रही है, DDP दूसरी JDU। उद्धव ठाकरे आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, एक ही दिन में 4 रैली को संबोधित करेंगे, दरियापुर, दिवासा, बडनेरा और बालापुर में जनसभा। MNS प्रमुख राज ठाकरे आज मुंबई में करेंगे चुनाव प्रचार, घाटकोपर और वर्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे। नागपुर में डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के प्रचार कार्यालय का भी आज उद्घाटन होगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में UP के CM योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार, अमरावती में बोले ये महागाड़ी नहीं महाअनाड़ी गठबंधन है। CM योगी ने महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे का नारा दोहराया, कहा कि मैं शिवाजी से प्रेरणा लेकर बार बार कहता हूं कि जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अजीत पवार की पार्टी NCP का घोषणा पत्र जारी, लड़की बहन योजना, कर्ज माफी और 25 लाख नौकरियों समेत कई वादे। महाराष्ट्र के जलगांव में रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा, कहा कि वो खुद को अभिमन्यु कहते हैं लेकिन वो आधुनिक काल के जनरल डायर हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में AIMM उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ने BJP नेता नीतीश राणे को धमकी दी, कहा कि असेंबली में घुसकर कोई कुछ करने की हिम्मत रखता है तो वो मजलिस के लोग हैं। नीतीश राणे ने नासिर सिद्दीकी के बयान पर किया पलटवार, कहा कि घर में शांति से सोए नहीं तो नीतीश राणे उसे मारेगा, महाराष्ट्र में औकात देखकर मुंह खोलें। महाराष्ट्र के सांगली में NDA समर्थित MLC सदाभाऊ खोत का विवादित बयान, शरद पवार के चेहरे को लेकर की टिप्पणी। सदाभाऊ खोत के बयान पर अजीत पवार ने जताया कड़ा एतराज, कहा कि पवार साहब की व्यक्तिगत आलोचना को NCP बर्दाश्त नहीं करेगी, सदाभाऊ के बयान की निंदा की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और अधिकारियों से बदसलूकी का आरोप। दिल्ली में स्लॉटर हाउस बंद करने गई नगर निगम के अधिकारियों के साथ आप विधायक ने बदसलूकी की और गाली गलौज की, विधायक मीट की दुकान पर कार्रवाई कर रहे थे। ओडिशा में आम की गुठली खाने से हुई मौत की RDC जांच शुरू, ओडिशा के मंत्री कृष्णचंद पात्रा ने दी जानकारी। कंधमाल में आम की गुठली की कथित खिचड़ी खाने से 2 महिलाओं की मौत हुई थी। BJD नेता लेखश्री सामंत सिंगर ने BJP पर किया हमला, कहा कि सत्ता में आने के बाद BJP ने चावल आपूर्ति व्यवस्था को नष्ट किया, मजबूरी में गरीब खा रहे हैं आम की गुठली की खिचड़ी। महापर्व छठ के तीसरे दिन आज दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ, दिल्ली के काले निकुंज के घाट पर दिखी तैयारी। आज दोपहर से घाट पर जाना शुरू करेंगे लोग, घाट पर साफ सफाई के बाद मिट्टी समतल करते दिखे लोग। चारधाम और दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए ओडिशा सरकार शुरू करेगी बस सेवा, ओडिशा के मंत्री विभूति भूषण जेना ने दी जानकारी। अयोध्या, तिरुपति, वाराणसी और वृंदावन के लिए बस सेवा इसी महीने से। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में बारिश, प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड का असर दिखना शुरू, हर तरफ छाई धुंध।